जैसे हमारी पेशन गोई थी 23 तारीख से ही, और 24 25 को ये सिस्टम रहेगा। इस बीच जो है ये सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हल्की बर्फबारी पहाड़ों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे तक, और मैदानी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट ट्रेन के पूरे चांसेस हैं 23 24 और 25 के बीच में। इसी तरह अगर हम कहें 24 तारीख में थोड़ा सा रुकावट होगा, ओवरऑल जो है वेदर 24 को थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, अबर आलूद रहेगा। बाकी 25 दोपहर से लेकर 25 शाम तक सिस्टम का पीक होगा, और उसी बीच जो है लाइट टू मॉडरेट स्नो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं खासकर पहाड़ों में, और लाइट टू मॉडरेट रेंज जो है हम मैदानी इलाकों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें, 26 तारीख से ही वेदर में इम्प्रूवमेंट होगा, और कोई वेदर सिस्टम नहीं है लगभग 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच, और उस बीच जो है मौसम जो है अमूमन खुश्क रहने का इम्कान है, और सर्दी जो है 27 तारीख से ही बढ़ सकती है, माइनस में टेम्परेचर जाएगा 27 से लेकर 2 तारीख तक, क्योंकि पूरा क्लियर वेदर है, और अभी मिनिमम टेम्परेचर जो है कुछ 2-3 दिन जो है वो विद इन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आज +1.5 था, जैसे आप लोगों ने कल सुना होगा -3 था यहाँ श्रीनगर में, बाकी जगहों पे भी -10-12 के आसपास था मिनिमम टेम्परेचर। तो अगले 2-3 दिन जो है मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सुधार होगा, उसके बाद सुबह शाम जो सर्दी की लहरें वो बढ़ने के चांसेस हैं 27 तारीख के बाद। जैसे आप लोग जानते हो, जब भी हल्की बर्फबारी पहाड़ों में हो या मैदानी इलाकों में हो तो फिसलन का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने बिल्कुल अपने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में कहा है कि जो हमारे हायर रीचेस के जो रूट्स हैं, मेजर रूट्स, खासकर यहाँ बांडीपुरा से गुरेज जो कनेक्ट होता है, फिर श्रीनगर ले नेशनल हाईवे, फिर यहाँ मोगल रोड, इसी तरह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इन सारे एरियाज़ में थोड़ा लैंडस्लाइड्स का, शूटिंग स्टोन्स का प्रॉब्लम रहता है, लो टेम्परेचर की वजह से गाड़ियों का फिसलन मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल रहता है। तो फिलहाल जो है टेम्परेरी क्लोज हो सकते हैं ये 2-3 दिन के लिए, खासकर मेजर रूट्स जो हमारे हैं।